दलित पर बिहार सहित प्रदेश भर में उत्पीड़न के खिलाफ नंदन गांव में दलित महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत में सांसद शरद यादव मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त पूर्व सांसद अर्जुन राय, सांसद अनवर अली, जदयू शरद के इंजीनियर संतोष यादव, जदयू शरद के प्रदेश अध्यक्ष रमई राम, रामधनी सिंह, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, रामाशीष कुशवाहा, डॉक्टर मनोज यादव, अरुण कुमार तिवारी, बजरंगी मिश्रा इत्यादि नेताओं का वहां दल पहुंचा था। दलित पंचायत को लेकर सुरक्षा के बीच पुख्ता इंतजाम का व्यवस्था किया गया था। वहां पे काफ़ी तादाद में पुरुष सुरक्षा बल और महिला सुरक्षा बलों को लगाया गया था। पंचायत में आसपास के ग्रामीण पंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे थे। पंचायत को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि दलित महापंचायत का आयोजन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है, जिसके चलते इस पंचायत का आयोजन करना पड़ रहा है। सब नेताओं ने एक स्वर में सत्ता बदलने का आह्वान किया। महापंचायत में मौजूद ग्रामीणों से किया गया वक्ताओं ने कहा कि गरीब जब अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उसके लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण नहीं करते हुए बिहार के सरकार उन पर डंडा बरसाती है और जेल में बंद कर देती है। उन्होंने कहा कि नंदन गांव में जो अत्याचार हुआ है उसे देखते हुए अंग्रेजों के जमाने की याद आ गई। उन्होंने कहा कि आज हाल है उससे बेरोजगारों का आलम छाया हुआ है, जिसके लेकर 11 मार्च को पूरे राज्य में बेरोजगारों का मानव श्रृंखला बनाया जाएगा, जिसमें 18 से लेकर 40 साल तक के युवा शामिल रहेंगे। इस अन्याय के खिलाफ सबका मन दुखा हुआ है, सबके मन पर चोट होगी, इसलिए यहाँ सारे हुआ, सब तरह के लोग आ गए। यही इस लोकतंत्र की ताकत है कि दलितों के साथ जो अन्याय हुआ, मैं बाकी समाज के सभी लोगों को बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस अन्याय का प्रतिकार कर दिया। ये सरकार जो अपनी है, ये बोर्ड की सरकार नहीं है, और चाहे वो बिहार सरकार जनता से लिया हुआ जो वादा है, कहा था कि हम किसान को और नौजवान को रोजगार देंगे और किसान के डेढ़ गुना जो दिल्ली में दाम तय होते हैं उसका डेढ़ गुना। महापंचायत का क्या फैसला है मिला करके जी आप देखेंगे तो भारत महापंचायत का क्या फैसला है आज जो महापंचायत उसका क्या फैसला है? पंचायत का फैसला ये है कि जो अन्याय हुआ है सारे केस वापिस करो जी, और यदि आप चारों तरफ यानी विकास के लिए घूम रहे हो तो न्याय दृष्टि अपने पीछे दिमाग में रखो, पूरे किसी एक गांव जा रहे सब पूरे गांव का पूरे गांव के साथ न्याय करो। बिहार सरकार